नेक्स्ट लेवल थीम चाहिए रेडमी शॉमी या पोको डिवाइस के लिए, ये थीम ट्राई करो। अप्लाई करने के बाद सभी आइकन्स और पूरा फोन चेंज होने वाला, तो एक बार ट्राई करो। अप्लाई करने के बाद अगर जाओगे गूगल का फोल्डर में तो नया आइकन्स देखने मिलता है, सभी आइकन्स चेंज हो जाता है और आइकन पैक काफी क्लीन लुक के साथ देखने मिल जाएगा। होम स्क्रीन में भी सिमिलर आइकन्स देखने मिलता है और टूल्स का फोल्डर में भी इनफैक्ट सिमिलर आइकन्स देखने मिल जाएगा। इस आइकन पैक में एक दो आइकन्स मिसिंग है, पर सभी का जो लुक है वो आपको सिमिलर देखने मिल जाएगा और आइकन पैक काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ देखने मिलता है। विजेट भी चेंज हो जाएगा, वॉलपेपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको कंट्रोल सेंटर में चेंजेस देखने को मिलना चाहिए था, बट चेंज नहीं होता। हम यूएट 12.5 में शायद हो जाएगा, ट्राई कर सकते हैं, 13 में चेंज नहीं होता। सेटिंग्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिलेगा, सिमिलर वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, जो बैकग्राउंड हुआ आपको सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है, बट टॉगल्स चेंज नहीं होता। आप ऑल मतलब अबाउट फोन में भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ऑल स्पेक्स पे भी चेंजेस देखने को मिलता है, यूआई पूरा चेंज हो गया, लुक वाइज भी पूरा चेंजेस देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में भी इनफैक्ट चेंजेस देखने को मिलता है। तो थीम काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के साथ देखने मिलता है। एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको सिमिलर चेंजेस देखने मिल जाएगा और इनफैक्ट आपका बाकी जैसे कि डायलर मैसेजेस ऐप में भी चेंजेस देखने मिल जाएगा, तो ट्राई कीजिए। और वॉल्यूम स्लाइडर में कुछ स्पेस से इंस्पायर्ड लुक के साथ होना चाहिए था, बट इसमें आपको चेंजेस नहीं देखने मिलता है। और अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन पूरा एनिमेटेड है, पूरा नेक्स्ट लेवल में है, तो ट्राई करो। तो जैसे ही जाओगे तो ऐसा कुछ जो है देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एनिमेशन के साथ वॉलपेपर देखने को मिलता है। मेरे को पर्सनली वॉलपेपर्स काफ़ी नेक्स्ट लेवल लगा, जो कि जो 3D वॉलपेपर्स है और चेंज भी करने का ऑप्शन है, तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि तीनों ही वॉलपेपर में मोशन देखने को मिल जाएगा, एनिमेशंस देखने को मिल जाएगा, तो ये भी जो मूव करते रहेगा। और थर्ड वाला भी जो है वो भी मूव होता है, मतलब उसमें भी जो है थोड़ा बहुत इधर उधर चमकता हुआ कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो थीम काफ़ी अच्छा है, स्वाइप डाउन करने से ऐसा कुछ कंट्रोल सेंटर नीचे आ जाएगा, तो उसमें ब्लूटूथ फ्लैशलाइट और बाकी डाटा कनेक्शन, हॉटस्पॉट, वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, म्यूजिक और ब्राइटनेस स्लाइडर, बाकी और भी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टॉगल्स देखने को मिल जाएगा। राइट से करने से वॉलपेपर ऑप्शन और स्वाइप अप करने से आपको बाकी जैसे कि कैलेंडर हो गया ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर आपका स्टेप काउंटर देखने को मिलेगा, ट्विटर स्नैपचैट देखने को मिल जाता है, और आपको अगर टाइम का जो विजेट चेंज करना है उसके लिए राइट से करना है। और थीम पसंद आए तो सर्च करो जाके थीम स्टोर में, काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है, स्पेस ओडिसी, जैसे सर्च करोगे स्पेस ओडिसी ये थीम मिल जाएगा, बस जाओ सर्च करो, डाउनलोड करो, थीम काफ़ी नेक्स्ट लेवल है स्पेस ओडिसी। आई होप ये थीम मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारा थीम्स नहीं मिल रहा आजकल, तो जाओ जल्दी से डाउनलोड कर लो डिलीट होने से पहले, और जाओ अप्लाई करो, बताओ कैसा लग रही है स्पेस ओडिसी। आई होप ये थीम पसंद आया होगा, थीम पसंद आया, वीडियो पसंद आया, जाओ एक लाइक मारो वीडियो को, और लाइक हम 150 रखते हैं, कंप्लीट करो वीडियो को, शेयर करो, कुछ भी पूछना नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में रखे, ऐसी नोटिफाइड रहो इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड थीम का वीडियोस के साथ अपडेट भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल।